सो हेलो एवरीवन, आज आपने सामने देख रहे हो आप होंडा की जो हॉर्नेट है 2.0 न्यू मॉडल और 2022 मॉडल है और 160cc के इंजन के साथ आती है ये बाइक। इसका लुक देख लीजिए एक बार, काफ़ी मस्कुलर सा लुक है इसका। सभी साइड से आपको दिखा दो एक बार इसका जो आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। सो दोस्तों, कंप्लीट रिव्यू इसका स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि अपने के लिए आप लोगों के लिए मैं आपको जो है अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता हूँ। सभी साइड आपने आज तक जितनी भी बाइक्स देखी है उनको मैं आपने बहुत सारा प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है और इस गाड़ी को भी आपको वही और वही प्यार वही सपोर्ट देना है, ऐसी मेरी इच्छा है। तो वीडियोज़ को फिलहाल अभी जो व्यूज़ बहुत कम जा रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप हो सके तो अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना, मतलब अगर आप इस वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर तो प्लीज़ मिनिमम अपने जो है वन फ्रेंड को जो है आपको वीडियो शेयर करना है, बस इतनी सी इच्छा है। तो इसका जो कंप्लीट रिव्यू स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, ठीक है। देख सकते हो भाई, यहाँ पे जो है स्पीडोमीटर शो करता है और मतलब स्पीडोमीटर की इंफॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले होंडा की जो है नाम की ब्रांडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन हेड, और यहाँ पे जो है नंबर प्लेसमेंट की जगह यहाँ पर रहने वाली आप दो, यहाँ पे जो है नट बोल्ट का सपोर्ट भी देख सकते हो अच्छी तरह। और यहाँ पे आता है उसका पूरा एलईडी में आने वाला हेडलाइट जो कि टू मतलब अपर डिपर के शॉट में आता है यहाँ पर जो है, और लुक बाइक काफ़ी नेक्स्ट लेवल लुक है आप देख सकते हो। 1, 2, 3, 4 मतलब यार फोर लाइट्स का यहाँ पर जो डिज़ाइन बनने वाले रात के समय, और इसका लुक है ना काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। अब की ऑन करने के बाद इसका आपको एक बार लुक दिखा देता हूँ। अब जैसे इसका की ऑन करते हो ना सिर्फ, तो आपको कुछ ऐसा लुक यहाँ पे जो मिलने वाला है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है यार सच में। और फिर बाद में आपको इस साइड से आप देख सकते हो इसके सस्पेंशन आते हैं इसमें अप एंड डाउन सस्पेंशन जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्टी बाइक जो होती है ज़्यादा पावरफुल हम जैसे कहते हैं उन्हीं में आपको जो है सिर्फ अवेलेबल दिखने वाले हैं। और आगे की तरफ आता है पूरा 272mm का डिस्क ब्रेक जो काफ़ी लास्ट साइज का है, और इसकी जो लुक है ना भाई काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। आप डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो काफ़ी मतलब यार तगड़ा लगता है ना लुक ना, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। और यहाँ पर जो है नाइलन यहाँ पे दूसरा मतलब यहाँ पे मुझे लगा था फाइबर के डिस्क ब्रेक यूज़ कर रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अलग ही नई फाइन कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है जो कि अच्छे होंगे। ये भाई होंडा है, इसमें आपको कोई शक करने की बात नहीं है। और यहाँ पे आता है सिंगल चैनल एयरबैग के साथ जो अपनी बाइक आती है हॉर्नेट 2.0, और इसका जो आगे का बम्पर है ना काफ़ी स्टाइलिश यार आप देख सकते हो। ड्यूअल टोन आता है यार, और डिज़ाइन ना एकदम मस्कुलर से लगती है आप देख सकते हो इस साइड से। और सिंगल रिफ्लेक्टर यहाँ से आप देख सकते हो जो कि राउंड शेप में नहीं आते, स्टाइल वगैरह ठीक ठाक है। उस साइड से भी सेम यही जो है रिफ्लेक्टर यूज़ करा गया है। और भाई इसकी जो रिंग है ना काफ़ी स्टाइलिश लगती है, आप यहाँ पे व्हाइट जो स्टिकर्स होते हैं उसका भी यूज़ करा हुआ देख सकते हो। जब बाइक रनिंग में होती ना इसका लुक बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। और यहाँ पे आपको एक बार टायर साइज भी चेकआउट करा दूँ, तो गाइज आप यहाँ पे टायर साइज देख सकते हो 110/17/70/17 के इसमें जो टायर्स आते हैं आगे की तरफ, मतलब जो कि ठीक ठाक साइज में जो प्रोवाइड कराते हैं। और इसका जो ब्रांड आपको वो भी दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे इसका जो टायर की कंपनी भी देख सकते हो भाई MRF से प्रोवाइड होते हैं, मतलब डायरेक्ट आपको जो है होंडा जो आपको MRF पे टायर के साथ ही गाड़ी प्रोवाइड कराते हैं जो कि अच्छी बात है, ठीक है। बाद में हम इसके जो पीछे आते थे यहाँ पर भाई, यहाँ पर जो अपनी टंकी रहने वाली है फुल्ली प्लास्टिक फाइबर बॉडी में रहने वाली है। यहाँ पर कहीं भी जो है और लोहे का या फिर मेटल जैसे कहते हैं उसका यूज़ नहीं करा गया है जो कि काफ़ी सारी कंपनी ने बंद कर दिया है, मतलब सभी कंपनी लगभग अभी जो है प्लास्टिक का ही जहाँ पे टंकी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे पूरी जो है व्हाइट कलर में हॉर्नेट की ब्रांडिंग जो कि काफ़ी यार प्रीमियम लगती है, लेकिन स्टिकर फिनिशिंग में यहाँ पे कहीं भी क्रोम वगैरह यूज़ नहीं करा गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आता है इसका पूरा 160cc का इंजन, इसकी जो पूरी मतलब मेन डिटेल है आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो, मैंने पूरे मेन 5 पॉइंट्स लिए इसमें, आप उसको देख सकते हो माइलेज वगैरह पावर कितना प्रोड्यूस करती है बाइक, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो टंकी का जो कॉर्नर यहाँ पे आप देख सकते हो भाई प्लास्टिक पर जो है हॉर्नेट की ब्रांड मतलब होंडा जो नाम है और उसका जो लोगो है उसकी ब्रांडिंग आप देख सकते हो पूरी क्रोम फिनिशिंग में आती है जो कि काफी प्रीमियम लगती है। और यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे जो है ब्लैक एंड सिल्वर कलर के स्टिकर होते हैं उनका यूज करा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 2.0 वर्जन 2.0 के यहाँ पर जो है ब्रांडिंग है सिर्फ 2.0 लिखा हुआ है। और भाई लुक ना भाई काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, मस्कुलर सा लुक इसमें जो आता है। और यहाँ पे पूरी आप बॉडी देख रहे हो ना, यहाँ पे कहीं भी मेटल का यूज नहीं करा गया है, सब कुछ यहाँ पे जो है फाइबर में ही आता है। यहाँ पे इसका आप एडजस्टेबल फुटरेस्ट देख सकते हो जिसमें जो स्प्रिंग यूज़ करती है हर कंपनी इसमें भी है, और ये भाई फुल्ली एडजस्टेबल फुटरेस्ट काफ़ी चीप क्वालिटी का है यार, मतलब यार काफ़ी पतले से लगते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ RM5 या फिर यहाँ के FZ भी देखोगे ना इससे मिलता जुलता है यार, इससे भी पतले तो उनके मतलब फुटरेस्ट है, मतलब ये मुझे तो ठीक लगे लेकिन उनके इससे भी पतले। और यहाँ पे आता है इसका पूरा साइलेंसर, काफ़ी छोटा है लेकिन लुक ना काफ़ी मस्कुलर लग रही है। यहाँ पे आप ऊपर से देख रहे हो ना ये हुए इसकी मेटल बॉडी की यहाँ पे जो कवरिंग करी गई है, और बाकी यहाँ पर जो पूरा लोहा है ठीक है प्रोटेक्शन वगैरह ठीक ठाक करी गई है। और इसमें आता है भाई सिंगल शॉक्स आप अंदर देख सकते हो इन रेड कलर,
जो कि कंफर्ट लेवल भी इसमें ठीक ठाक प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ आपके ऑयल भरवाने की जगह आप देख सकते हो, यहाँ पे चेसिस वगैरह नली जो भी मतलब लोहे का यूज़ करा गया है थोड़ा बहुत पार्ट आप देख सकते हो। ठीक है, देख लिया। और फिर हम जिसे पीछे आते थे यहाँ पर भाई पूरा ग्लॉसी फिनिशिंग में प्लास्टिक यूज़ करा गया है। और यहाँ पे हाथ को पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है हैंडल ग्रिप का जो यूज़ करा गया है, जो कि हाफ कट है, फुल साइज नहीं है, लेकिन हाफ कट इसमें जो है ज़्यादा मतलब मस्कुलर जो लुक इसका प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये पूरे टच हो ना तो इतना अच्छे से इसका लुक नहीं बनता है। फिर बाद में आप यहाँ पे पीछे का बैठा आपको एक बार चेकआउट करा दूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो भाई 110/70/17 के टायर्स जो है पीछे के साइड यूज़ करे गए। इसका जो साइज है ना मतलब आगे से ही मिलता जुलता लगा यार, लेकिन इसकी जो साइज है ना काफ़ी यार बड़ी है पीछे की साइड। आप देख सकते हो टायर जो है ना काफ़ी मस्कुलर लुक प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे भाई पूरा 220mm का डिस्क ब्रेक आता है पीछे की साइड, इसकी लुक देख सकते हो अच्छी तरह। और रिंग भी काफ़ी मस्कुलर और स्टाइलिश लगती है यार। और व्हाइट कलर के जो स्टिकर्स होते हैं उसकी आप यहाँ पे यूज़ करा हुआ है देख सकते हो अच्छी तरह, यहाँ पे साइलेंसर वगैरह। ठीक है, आपको दूर से भी एक बार इसका लुक दिखा दो कैसी दिखती है अपनी हॉर्नेट 2.0। यार लुक बता दो यार, लुक ना काफ़ी यार कूल है इसके, पूरे ब्लैक कलर में जो गाड़ी आती है। बाद में आप पीछे के साइड लुक देख सकते हो यार। आप इसको जो की ऑन करने के बाद लुक दिखा दो आपको एक बार, आप सिर्फ की ऑन करते हो ना तब जाके कुछ ऐसा लुक आपको दिखने वाला है पीछे का हॉर्नेट का 2.0 का। काफ़ी यार मतलब पीछे का लाइट ना काफ़ी मतलब स्मार्ट लगता है और काफ़ी क्रिएटिव लगता है। इसके डिज़ाइन ना एक्स की काफ़ी नेक्स्ट लेवल लगती है, एक्स यहाँ पे जो क्रिएट होता है अपना। और भाई पूरी यहाँ पे जो प्लास्टिक का यूज़ करा गया है यहाँ पर आते भाई LED में एक्स जो इंडिकेटर्स आते हैं जो कि अच्छी बात है आप देख सकते हो, लेकिन जो है नॉन फ्लेक्सीबल है, जरा से भी इसमें जो फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर आता है रेड कलर का, यहाँ पे भाई अपनी नंबर प्लेसमेंट की जगह रहने वाली है। और यह हुआ उसका बम्पर का एंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हुंडो का नाम। और यहाँ पे अपने LED का यूज मतलब लाइट यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ करा गया है, रात के समय यहाँ पे नंबर प्लेट रहने वाले उन पर जो है उजाला चाहिए होता है इसलिए। और भाई यहाँ पर है इसका पूरा का पूरा चेन मतलब प्रोटेक्शन आप देख सकते हो, जो कि फाइबर में आता है, लेकिन जो फाइबर की क्वालिटी ना थोड़ी हार्ड है, मतलब आप ठीक ठाक क्वालिटी का इसको जो कह सकते हो। और साइड से यहाँ पर जो एंगल देख रहे हो भाई पूरा लोहे में आता है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे जो एडजस्टेबल फुटरेस्ट आप देख सकते हो, जो फुल एडजस्टेबल है। और आगे के जो फुटरेस्ट है उनमें स्प्रिंग यूज करे गए। और यहाँ पे आप चेन वगैरह खुला खुला देख सकते हो, काफी खुला लग रहा है यार, मतलब इस बाइक की नहीं हर बाइक की यहाँ पर जो ये बात बन चुकी है आजकल के। यहाँ पे चेन आपको जो कुछ ज्यादा ही खुले रहने वाले मिलने वाले है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डम्पर अंदर की साइड यूज करा गया है और बाकी चेन कवर भी पूरा फाइबर में आता है। ठीक है, और पीछे की साइड यहाँ पे कोई भी मड़गड़ वगैरह यूज एक्स्ट्रा नहीं करा गया, आप देख सकते हो यहाँ से पूरा जो है खाली प्लेस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा खुला खुला सा लग रहा है। और भाई जैसे ही साइड से आते हो तो यहाँ पे पूरा 160cc का इंजन की लुक भी आप अच्छी तरह देख सकते हो। और फिर से नीचे आता है इसका इंजन गार्ड, आप देख सकते हो पूरे फाइबर बॉडी में है। ठीक है, और साइड गार्ड हम जिसे कहते हो, और साइड गार्ड भी ठीक ठाक बाहर निकले हुए हैं यार, मतलब मुझे लगा था पहले कि ये जो साइड गार्ड अंदर होंगे, लेकिन साइड गार्ड टंकी के बाहर निकल रहे हैं, जो कि इसकी अच्छी बात लगी मुझे। मैंने मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ देखी है उनके साइड गार्ड मतलब टंकी के अंदर घुसते जा रहे हैं, मतलब इस वजह से इसका हाफ कट कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, मतलब आपको प्रोटेक्शन नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। फिर से यहाँ पर जो है क्रोम फिनिशिंग में होंडा का नाम विथ होंडा का मतलब जो लोगो है उसकी ब्रांडिंग आप देख सकते हो क्रोम फिनिशिंग। यहाँ पर फिर से व्हाइट कलर में हॉर्नेट का नाम। और भाई टंकी देख लीजिए काफ़ी मस्कुलर लुक है यार। और यहाँ पे जो है टंकी पर थोड़ा रबड़ क्वालिटी का जो है यहाँ पे फाइबर यूज़ करा गया है। यहाँ पे फिर से होंडा की ब्रांडिंग आप देख सकते हो। और भाई सीटें आप इसकी दे सकते हो भाई, दो जने यहाँ पे जो कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और तीन जन का बैठना भाई मुझे तो नहीं पॉसिबल लगता, बैठ तो यहाँ पे चार जन भी बैठ सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल की जो बात करना हम तब यहाँ पे जो है दो जन मैक्सिमम दो जन यहाँ पे जो है अच्छी तरह बैठ सकते हैं और सवारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे कुछ खास तो नहीं है इसका हॉर्न, आपको हॉर्न की प्लेसमेंट तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, हॉर्न होगा अंदर, आपको हॉर्न भी आपको एक बार सुनाई दूंगा इस गाड़ी का। ठीक है, चलिए अब इसका जो साउंड भी सुन लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जो है हाइट टेस्ट करते हैं, मतलब इसमें जो है कितनी फिट के बंदे आराम से बैठ पाएंगे हम उसको भी देखते हैं एक बार। दोस्तों सीट हाइट करने से पहले आपको जो एक बार इसका जो गियर शिफ्टिंग का भी दिखा दूँ। यहाँ पर भाई पूरे जो है 5 गियर्स आते हैं इस बाइक में, और यहाँ पे जो पूरा आई थिंक यहाँ पर जो एक नीचे दबने वाला है और बाकी सब ऊपर लगने वाले हैं, और सिंगल पैडल के साथ आते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरह। ठीक है, और बाकी उसमें जो खास नहीं है, और हम चलते अभी गाड़ी पे सीट हाइट वगैरह टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ बाइक पे बैठने के लिए, आपको थोड़ा आवाज़ कम आ सकता है मेरा, क्योंकि जो मैं अभी कैमरे से दूर जा रहा हूँ, तो इसलिए आप जो है थोड़ा हेडफोन वगैरह यूज़ कर लेना ताकि आपको जो है अच्छी क्वालिटी का साउंड आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मैं बाइक पे बैठता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरी हाइट कैसे मतलब मैं परफेक्टली बैठ पाता हूँ या नहीं।
देख सकते हो मेरे आईडी पास 6 फीट में आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी मेरे पैर दोनों साइड से अच्छी तरह टिक चुके हैं, मतलब जमीन पर टच हो चुके हैं। मतलब आपको ये 6 फीट की जो भी बंद रहने वाले हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वो कंफर्टेबल बैठ के इस बाइक पर राइड कर सकते हैं। और दूसरी बात रही इसकी वजन की, तो वेट भी कुछ खास नहीं लगा, मतलब आप इसको जो फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बाइक राइड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपको जो है कोई टेंशन लेना नहीं है। और जो बंद थोड़े 5.2 या फिर 5.1 रहने वाले तो उनको सिर्फ यहाँ पर जो है थोड़े मोटे धरती जूते और चप्पल पहननी है, तो उनकी हाइट जो इसमें रहने वाली, तो आपको मतलब जो बंदे 6 फीट के उनको तो भाई कोई टेंशन नहीं, इसमें जो बात रहने नहीं रहने वाली, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो ऑन ऑफ कॉस्ट आपको मैं बताना चाहूंगा, तो भाई इसके ऑन ऑफ कॉस्ट जाती है 1,65,000 रुपीज ऑनबोर्ड, मतलब करीब करीब आपको जो है 1,65,000 में आपको जो इसके चाबी मिलने वाली है, इसका आप समझ सकते हो। और कॉस्ट भी थोड़ी बहुत इससे ज्यादा लग रही है, लेकिन भाई स्टाइल भी इसका जो है काफी नेक्स्ट लेवल है, मतलब इसकी लेवल में अगर आप एग्जिट भी देख लो तो एग्जिट भी इसकी मतलब इससे नीचे दिखती है, इसको जो स्टाइलिश बनाया गया है। और इसका लुक आपने आपको ये पूरा दिखाई दिया है भाई, इसके जो अभी लास्ट में जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह टेस्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और इसका इंजन का जो साउंड क्वालिटी कैसा है उसको भी सुनेंगे, ठीक है। और हैंडल बार पे जो भी कुछ फीचर कंपनी प्रोवाइड करते हैं उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर नजर डालते हैं। जैसे इसका जो स्विच ऑन होने वाला है तो कुछ आपको ऐसा लुक इसमें मिलने वाला है, और एनिमेशन वगैरह ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और इसका जो डिजिटल ना काफ़ी छोटा है यार, मतलब कुछ इतना सा लग रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन हम देखते हैं इसमें क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, इसका जो स्पीड यहाँ पे मेंशन करने वाला है आप देख सकते हो, 0 KMH दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके भी दिखा दो एक बार। यहाँ पे स्पीड शो करने वाला है, फिर बाद में यहाँ पे अपना टाइमिंग रहने वाला है, यहाँ पर 9:31 आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रिप वगैरह सेट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे गाड़ी कितनी मतलब चल चुकी है उसका भी दिखा रहा है। अभी यहाँ पे फ्यूल की लेवल यहाँ पे शो करने वाला है, आप देख सकते हो गाड़ी भी तेल अभी पूरा खत्म है, तो यहाँ पे इतना सा शो कर रहा है। यहाँ पे फ्यूल होने के बाद यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पे गाड़ी अभी फिलहाल न्यूटन पे खड़ी है वो भी शो कर रहा है। यहाँ पे RPM 1000 RPM आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा RPM का सेटअप है और ठीक ठाक है। और यहाँ पे जो साइड स्टैंड का शो कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड स्टैंड अभी गाड़ी फिलहाल स्टैंड पे खड़ी है उसका भी दिखा रहा है। सिंगल चैनल ABS के साथ गाड़ी आती है, उसका ABS का भी सिग्नल यहाँ पे देख रहा है, न्यूटन का फिट से आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे भाई दो बटन्स भी अवेलेबल है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं उसमें क्या आता है। और सबसे पहले मैं साइड का बटन यहाँ पे जो प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो भाई ट्रिप यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप एवरेज वगैरह देख सकते हो, किलोमीटर टोटल ट्रिप ए ट्रिप भी और एवरेज वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, बैटरी वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। फिर बाद में यहाँ पे दूसरा बटन है, वो शायद टाइमर वगैरह सेट करने के लिए होगा, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो, फिलहाल प्रेस करने के बाद शायद कुछ होता होगा। तो इसमें जो ठीक ठाक फीचर आते हैं तो बस इतने इसमें जो फीचर प्रोवाइड करते हैं कंपनी, और यहाँ पे जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती तो और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन ये भी ठीक है फिर भी। और यहाँ पे अपने जो क्लिक की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑन द स्पॉट टंकी पे रहने वाली है, जो कि अपनी जो FZ है V3 उससे मिलती जुलती है, V4 जो नहीं आई है, और बाकी कुछ नहीं। उसका जो लुक आपको मैंने पहले से दिखा दिया है, तो ये इसके जो बटन पे भी एक बार नजर डालते हैं, बटन में कि इसमें जो क्या कुछ इसमें फीचर आते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो भाई पासिंग का बटन है, ये हुआ पास का बटन आगे की तरफ, और मैं आपको चालू करके दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी जो गाड़ी बिना मतलब ऑन किए सिवा यहाँ पे जो कौन सा भी लाइट यहाँ पे चालू नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अपर डिपर का है, ये हुआ अपर, ये हुआ डिपर, नीचे दबाते हो, ये हुआ इंडिकेटर का भी। इसका एक बार आपको इंडिकेटर का भी लुक दिखा देता हूँ, लेकिन वो हजार के फॉर्म में हम दिखाने वाले सिंगल इंडिकेटर आपको पता चले जाएंगे। और यहाँ पे भाई इसका हॉर्न, अब हॉर्न भी आप एक बार सुन लीजिए, इसका हॉर्न भी काफी तगड़ा है यार, काफी तेज साउंड है, सिंगल बीप के साथ आता है, लेकिन इसमें जो लाउडनेस ना काफी भरवाई गई है, मतलब आपको साउंड में इसमें जो कोई कमी नहीं रहने वाली आपको मतलब बीप के हॉर्न में। और यहाँ पे भाई इसका इंजन ऑन ऑफ का स्विच, मतलब अगर आप बिना चाबी घुमाए बंद किए भी अगर आप इंजन बंद करना चाहते हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्विच ऐसा करना है, आपको जो इंजन नहीं ऑन होने वाला, और ये ऑन, और आप जैसे इसका बटन प्रेस करते हो तो आप इंजन यहाँ पे ऑन होने वाला है। तो सबसे पहले इसका जो हजार देख सकते हो, आप जैसे हजार का बटन दबाते हो तो यहाँ पे अपने चारों इंडिकेटर्स ऑन होने वाले हैं। उसके बाद इसकी जो लुक है ना काफ़ी नेक्स्ट लेवल लगती है यार। और पॉजिटिव इसमें मतलब अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो है चारों इंडिकेटर्स यहाँ पे जो LED में आते हैं, जो कि अच्छी बात है, मतलब आपको यहाँ पे जो कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बंदे जो है LED के चक्कर में नए मतलब मॉडिफिकेशन करवाते हैं, वो भी कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन भाई कंपनी प्रोवाइड करती है तो भाई कंपनी अच्छी बात है उस। और चलिए इसका जो अभी साउंड सुनते एक बार क्या कुछ इसमें जो साउंड आता है, रॉयरनेस कितनी आती है, हम इसको भी देख लेते हैं लास्ट में।
तो गाइस इसका जो साउंड आपने सुनी ली होंगी काफी रॉनेस के साथ आती है, हालांकि गाड़ी अभी जो रूम में भी खड़ी है तो ज्यादा रॉनेस इसको जो एक प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो लेकिन आप रोड पे भी हो ना, तो अगर आप गाड़ी 70-80 के ऊपर चलाते हो तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इसमें जो है रॉनेस मिलने वाली है। सो गाइस इसका जो साउंड काफी मतलब रॉनेस के साथ आता है, जिसको आपको जो कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसे पर्सनली मुझे लगता है। तो बाकी इसमें कुछ जो भी कुछ खास मैंने आपको पहले से बता दिया है, तो ऑल ओवर इसका लुक देख लीजिए, लास्ट में काफी मस्कुलर सा लुक जो इसमें आता है। तो दोस्तों अभी इसका जो कंप्यूटर मैंने अभी कर दिया फिनिश, तो आपको रिव्यू कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज यार दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस इतनी चीज़ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखा दोस्तों, बाय बाय।